नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फिनेंशियल फ्रीडम की ट्रेडिंग की इन्वेस्टिंग की यात्रा में आपका दोस्त। और मेरे एक और वीकली वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करते हैं मेरा पिछला हफ्ता कैसा गया, स्टॉक मार्केट का कैसा गया, हमारा कैसा गया इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में। खासकर ट्रेडिंग की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर अगला हफ्ता कैसा जाने वाला है क्या हमारी एनालिसिस है। तो इस बार की एनालिसिस हमारी है वीक 38 और 39 की। 38 मतलब 16 to 20 सितंबर, 39 टू 22 टू 27 सितंबर। तो बहुत ही यूनिक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और जो बाद के एक दो नए सेक्शन से बहुत पसंद आने वाले हैं आपको। और आज के सेक्शन में तो मेरी अपनी बहुत ज़बरदस्त कहानी है कि एडवांस टैक्स पे करने में क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं अपने पीपीटी के साथ शेयर करूँगा कि कैसा कैसा मेरा हफ्ता रहा और फिर हम बात करेंगे इन जनरल क्या क्या अगले हफ्ते के लिए हमारा सेटअप है, तो पूरी डिटेल में वीडियो। और हाँ, ये हफ्ता तो जबरदस्त वैसे था क्योंकि स्टॉक मार्केट ने नए लाइफ टाइम हाई, हमारे निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई हमारा 25,800 रुपये टच कर गया और बैंक निफ्टी 54,000 पहली बार ही नए नए लेवल्स टच हुए। तो बड़े शेयर्स में बहुत धमाका मचा हुआ है। तो ऐसे धमाकों में हमारी ट्रेडिंग कैसी रही, क्या हम चीज़ों को संभाल पाए या चीज़ें बिखरी, तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा हमारा पिछला हफ्ता, 16 सितंबर से 20 सितंबर की बात करें, और क्या होने वाला है अगले हफ्ते। तो पूरी करेंगे मार्केट की एनालिसिस और देखेंगे हमारी अपनी ट्रेडिंग में क्या रहा। इस हफ्ते इंटरेस्ट रेट फेड ने काटे थे 50 बेसिस पॉइंट पर, उससे क्या हुआ, ऑल टाइम हाई जो मार्केट ने मारा उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई 54,000 पर पहुंच गया। तो पूरी एनालिसिस करेंगे, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पिछले हफ्ते अगर हम देखो तो मार्केट की रेंज काफ़ी बड़ी रेंज थी, निफ्टी 5,25849 से 25,285 तक, तो 564 पॉइंट्स की रेंज निफ्टी की थी। तो बेसिकली निफ्टी ने नेट नेट 1.71% का जंप किया, उसके हिसाब से निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। ऐसी बैंक निफ्टी तो और भी बड़ी रेंज और भी बड़ा उसने लाइफ टाइम हाई बनाया। तो बेसिकली बैंक निफ्टी की रेंज 2147 पॉइंट्स, 54,066 इस वीक का हाई पॉइंट हो गया, 51921 लो पॉइंट, तो बड़ी रेंज। लेकिन नेट बैंक निफ्टी ने 1855 पॉइंट गेन किया और 3.57% बैंक निफ्टी ने गेन किया। तो किसी एक हफ्ते में बैंक निफ्टी का 4 पॉइंट चढ़ना, 4% चढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ये हफ्ता एक तरह से बुल्स के नाम गया, बहुत तेज, खासकर बड़े शेयर्स लार्ज कैप काफी तेज दौड़े। इंडिया विक्स को अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते 12.55 पर बंद हुआ था और इस हफ्ते 12.79। तो इवन दो मार्केट लाइफ टाइम हाई गई पर इंडिया विक्स ने भी 2% का जंप दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कंट्रास्ट है, लेकिन जब इतनी हाई मार्केट होती है, अनरीजनेबली हाई होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल ही जाती है। BSE मिड कैप इंडेक्स ने -0.16% पैसा लूज किया। तो कहीं ना कहीं मिड कैप शेयर्स ने थोड़ा धोखा खाया, स्मॉल कैप ने भी धोखा खाया, उसमें -0.08% लूज हुआ। 1000 पहली बार टच किया है, बहुत बड़ी बात है, ये काफ़ी समय से लैगर्ड था, तो कैचअप किया, गाड़ी भाई चलाएगा, तो इस बार गाड़ी बैंक निफ्टी ने चलाई। निफ्टी भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की वजह से ज़्यादा भागा है। अधिकतर इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं या फिर ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में हैं। FIIs ने 12,000 करोड़ की खरीदारी की, तो FII की खरीदारी निफ्टी की तेजी में काफ़ी साथ दी। और अगर आप देखो तो DIIs ने 800 करोड़ रुपये का बेचा। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि कई जो छोटे DIIs हैं या फिर जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैश पर बैठे हैं, हैवी कैश पर बैठे हैं, उनको उम्मीद है कि मार्केट गिरेगी, उनके पास पैसा तो बहुत है, क्योंकि एक तो दो तीन म्यूचुअल फंड्स को मैं जानता हूँ तो कि 20% कैश पर बैठे हैं, हर महीने भी पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास आता है SIP के थ्रू। तो अगर मार्केट चढ़ती गई तो इन लोगों को मजबूरी में पैसा लगाना पड़ेगा, मार्केट और ऊपर जा सकती है, पर कहीं ना कहीं मार्केट सेचुरेट हो चुकी है। ग्लोबली अगर हम देखें तो डाओ जोन्स 1.62%, डाओ जोन्स ने भी नया ऑल टाइम हाई मारा। तो जो रेट कट हुए फेडरल फेड ने जो किए हैं उसकी वजह से पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट, इंडियन मार्केट सब फिलहाल बहुत मस्ती में है, बहुत खुशी में है। फेड ने ये भी अनाउंस किया कि इस साल दो तीन रेट कट्स और कर देंगे, अगले साल भी 3 रेट कट होंगे और 2026 में भी एक दो। तो कुल मिलाकर अगले 2-2.5 साल में ऑलमोस्ट 2-2.5% रेट कट हो जाएगा, 25 बेसिस पॉइंट का इस बार हुआ है, 50 बेसिस पॉइंट का। तो डाओ ऑल टाइम हाई पर है, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा नीचे गिरा, हमारे लिए अच्छा है क्योंकि डॉलर की वैल्यू एक तरह से इस हिसाब से कम हुई है, तो उस हिसाब से रुपी की वैल्यू बढ़ गई है, 83.56 से 83.46 हो गया है। तो जो रुपी कुछ हफ्ते पहले 84 ऑलमोस्ट टच कर गया था वो 83.46 आ गया, तो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा है और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा गेन किया, 71.91, तो 2.89%। तो क्रूड ऑयल भी लगभग $68 आ गया था, क्रूड ऑयल ऊपर चढ़ा। क्रूड का चढ़ना मार्केट के लिए अच्छा नहीं है हमारे लिए, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ा है, 72-75 की रेंज क्रूड ऑयल के लिए लो ही मानी जाएगी, जो कि मार्केट के लिए वैसे अच्छा है।
ग्लोबल मार्केट सब बुलिश हैं, कोई भी कंट्री आप पकड़ लो, जो भी मेन मेन हम लोग देखते हैं, जापान, एशिया, यूरोप, अमेरिका, सब काफ़ी बुलिश टोन पर हैं इस समय। तब तो देखते हैं कौन से बड़े स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा गेन हुआ है। बड़े स्टॉक से मेरा मतलब जनरली 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाले होते हैं। तो सबसे ज़्यादा गेन मैक्स हेल्थ केयर, 17.62% मैक्स हेल्थ केयर ने गेन किया, बहुत बड़ा गेन था। मैक्रोटेक डेवलपर्स 13.62, इसीलिए अगर आप देखो तो रियल्टी इंडेक्स भी इस बार काफ़ी हाई था। अडानी ग्रीन एनर्जी 12.07% गेन, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा 7.73% प्रॉफिट गेन, बेसिकली ICICI बैंक 7%, जोमेटो 6.25% और बजाज होल्डिंग 7.64%। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया था, बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग उसकी हुई। बेसिकली 70 रुपये का शेयर था जो कि ऑलमोस्ट 200 रुपये तक चला गया था, फिलहाल 161 के करीब पे है। तो उसकी वजह से बजाज के सारे शेयर झूम उठे, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फिनसर्व सब काफ़ी अच्छे मोमेंटम में हैं। तो बजाज के शेयर्स को इस समय छोड़ने को जल्दी नहीं है। हाँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मैं नहीं कह सकता क्योंकि काफ़ी ओवर वैल्यूड, काफ़ी महंगा शेयर वो खुला है। लूजर्स में देखें तो बिग स्टॉक बिग लूजर्स, इंडस टावर्स ने ऑलमोस्ट 10% लूज किया, अगर आपको याद होगा। आइडिया वोडाफोन भी 20% गिरा था थर्सडे को, तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़ा झटका था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स -6.77%, बेसिकली PSU शेयर्स में काफ़ी झटका मिला है इस बार। TCS, इवन दो IT इंडेक्स काफ़ी हाई है, TCS ने फिर भी -5.26 बनाया, तो TCS में नुकसान आया। साइडस लाइफ साइंसेस ने -5.37, तो थोड़े शेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा शेयर्स लॉस में नहीं थे, कुछ शेयर्स लॉस में थे लेकिन गेन वाले शेयर्स बहुत बड़े थे। तो चलिए अब चलते हैं हमारी लास्ट वीक की ऑप्शंस एनालिसिस, ऑप्शन राइटर परस्पेक्टिव से। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार है, मेरा जो हाईएस्ट भी बोलूंगा, हाँ, जो एडवांस टैक्स मेरे को पे करना पड़ा उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि वेडनेसडे के डिप में हमने क्या किया, फ्राइडे के जंप में हमने क्या किया, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर आप देखो तो निफ्टी पिछले 3 हफ्ते का ये है और एक रीसेंट वीक है, तो इस हफ्ते निफ्टी नए हाई के पास खुला, बेसिकली 25,400 के आसपास एकदम हाई पे ही था। और उसके बाद पूरे हफ्ते थोड़ा भटकने के बाद, थोड़ा ऊपर नीचे जाने के बाद, थर्सडे और फ्राइडे का जो मूव दिया बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर का मूव आया निफ्टी में, और वो पूरा मार्केट वेट कर रहा था, हम भी वेट कर रहे थे कि जब फेड रेट कट करेगा तो फिर मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। तो फिलहाल के लिए मार्केट ने एक डायरेक्शन पकड़ ली है, वो ऊपर की है। तो पिछले कई हफ्तों से कॉन्सॉलिडेशन के बाद एक डेफिनेटली ब्रेकआउट मूव निफ्टी ने दिया है। हर एक कैंडल 1 घंटे की कैंडल इसमें है, और हर एक जो ब्लॉक है वो हमारा 1 हफ्ते का ब्लॉक है, 5 दिन की ट्रेडिंग का भी ब्लॉक है। इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया विक्स को भी देखें तो ऑब्वियसली अगर मार्केट चढ़ती है तो विक्स गिरता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। इंडिया विक्स और निफ्टी एक तरह से एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक ऊपर जाता है तो उसकी मिरर इमेज नीचे आती है। हालांकि इस बार एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इंडिया विक्स अगर आप देखो तो पिछले हफ्ते काफी टूटा था, 9 से 13 सितंबर, 16 से 20 सितंबर भी टूट टाट के थोड़ा नीचे ही बंद हुआ है, लेकिन बहुत नीचे नहीं, एक तरह से फ्लैट फ्लैटिश क्लोजिंग कही जाएगी, -0.something, राइट, क्लोज हाई बंद हुआ है। तो इंडिया विक्स थोड़ा सा चढ़ा है, उसका भी रीजन इम्पोर्टेंट है जानना कि इंडिया विक्स क्यों चढ़ा, जबकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई है, तो विक्स को बिल्कुल ऑल टाइम लो होना चाहिए था। तो चलिए अब ओवरलैप करके देखते हैं, ये आ गया हमारा ट्रेडिंग वाला पेज, ये 3 हफ्ते का निफ्टी। इंडिया विक्स को अगर आप देखो तो पिछले हफ्ते 9 से 13 सितंबर ये था, और इस हफ्ते का ये है। तो हम कंटिन्यूएशन के लिए सेम स्केल पर दिखाते हैं आपको। तो अगर आप देखो तो निफ्टी जैसे जैसे ऊपर चढ़ा, इंडिया विक्स वैसे वैसे नीचे नहीं गिरा, तो मिरर इमेज नहीं बनी, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब मिरर इमेज एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस इनमें चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा हमारा हफ्ता रहा, डे बाय डे जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं 16 तारीख की, मार्केट कहीं गई ही नहीं, लास्ट वीक जहाँ बंद हुई थी उसके बस 70-80 पॉइंट ऊपर खुली, और 100 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी ने पूरा दिन निकाल दिया। और अगर हम इंडिया विक्स को भी देखें तो इंडिया विक्स भी एक छोटी रेंज में ही ट्रैवल करता रहा। एक्चुअली इस दिन हमें काफ़ी ज़्यादा गेन मिलना चाहिए था, लेकिन इंडिया विक्स भी ज़्यादा नहीं टूटा, इसकी वजह से गेन ज़्यादा नहीं मिला, 0.58% का वैसे अच्छा खासा गेन है, लेकिन वीकेंड के इंतजार के बाद कई बार इंसान उम्मीद करता है कि थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, पर 0.58% मेरे लिए तो बहुत है। और फिर तो ये हो गया मंडे, शांत मंडे था, लेकिन मंडे को मैंने अपनी पोजीशंस कट करनी शुरू कर दी थी, निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी थोड़ी थोड़ी कम करता रहा था। और हाँ, एक मेरा गेन कम थोड़ा इसलिए भी हुआ है क्योंकि वीकेंड पे हम लोग काफ़ी हल्के थे, और प्लान ये था कि थर्सडे तक बिल्कुल ही हल्के हो जाएंगे जिससे कि फंस ना जाए हम थर्सडे की ट्रेडिंग में। तो फिर आया ट्यूसडे, ट्यूसडे में अगर आप देखो ट्यूसडे तो और भी नैरो रेंज, बहुत छोटी रेंज, 3 कैंडल, 4 कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल रेड, लेकिन 100 पॉइंट में पूरा खेल हो गया, 25,450 और 25,350 के बीच में लगभग। तो बढ़िया दिन था ये भी, और लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे एंटिसिपेशन था कि अब
फेड का रेट कट वाली न्यूज आने वाली है, तो धीरे धीरे विक्स ने चढ़ना शुरू कर दिया। तो इसीलिए अगर आप देखो तो थोड़ा सा निफ्टी भी चढ़ा, थोड़ा सा विक्स भी चढ़ा, उसके चलते में प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिला, लेकिन फिर भी प्रॉफिट था 0.14% का, तो अच्छा दिन गया ये भी। लेकिन उसके बाद असली खेल शुरू हुआ, वेडनेसडे को बहुत वॉलेटाइल मार्केट थी। अगर आप देखो तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुली, 3 घंटे ऊपर चढ़ती रही, फिर अगले 2 घंटे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और काफी रिलेटिवली बड़ी रेंज थी। ऊपर की रेंज 24,500 के पास, नीचे की रेंज 24,300-250 के पास। तो इस बीच अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया विक्स भी चढ़ता जा रहा था, तो इंडिया विक्स के चढ़ने से जो हमें गेन मिलता, जो प्रॉफिट मिलता, वो एक्चुअली लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए वेडनेसडे को नेट नेट हमें -0.8% का लॉस था। वैसे लॉस नहीं माना चाहिए, लेकिन जो हमें एंड ऑफ डे एमटीएम दिखाता है उसकी हम बात करते हैं। आज की वीडियो में स्पेशली मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपना P&L कैसे काउंट करता हूँ, बेसिकली जो बुक पोजीशन है उनका कैसे काउंट करता हूँ, और जो ओपन पोजीशन है उनका कैसे काउंट करता हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि अतुल जैन अपनी कैलकुलेशंस कैसे करता है। हर रोज मैं वो कैलकुलेशंस करता हूँ। तो वेडनेसडे को हम काफी खाली हो गए थे, बैंक निफ्टी तो पूरा बंद पहले ही दिन हो चुका था, लेकिन निफ्टी की भी बहुत थोड़ी सी हमने पोजीशन इस हफ्ते की छोड़ी थी, अगले वीक के लिए हमने ज्यादा पोजीशन छोड़ दी मंथ की एक्सपायरी में, और 2 और 3 अक्टूबर वाली एक्सपायरी की भी पोजीशन हमारी लगी हुई थी। तो खैर हम 50% कैश पर थे इस समय, तो वो चीज़ अच्छी थी। जनरली मैं अब कोशिश तो ये करता हूँ कि जीरो ही हो जाऊँ, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, थोड़ी पोजीशन छोड़ ही देता है इंसान। तो अब आया 19 सितंबर, ओवरनाइट फेड ने इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, लेकिन उसके चलते डाउ जोन्स से कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, थोड़ा सा ऊपर ही था, तो हम भी खुशी के मारे थोड़ा ऊपर खुले। 100-150 पॉइंट का गैप अप था, बहुत बड़ा गैप अप नहीं था। उसके बाद पहली कैंडल ग्रीन, अगली 3 कैंडल रेड, अगली 3 कैंडल ग्रीन, तो बहुत छोटी रेंज। इससे ज़्यादा बड़ी रेंज तो हमारी वेडनेसडे को ही थी। थर्सडे को उम्मीद के अगेंस्ट बहुत छोटी रेंज में निफ्टी ने काम किया और अच्छा खासा हमारा पैसा बन गया 0.99। क्यों बना? क्योंकि अगर आप देखो तो इंडिया विक्स भी काफ़ी टूटा, ऑलमोस्ट 7-8% इंडिया विक्स में डीके हो गया, तो इजी मनी बन गया 0.99%। एक्चुअली हमारी पोजीशन बहुत कम लगी हुई थी, अगर हमारा पूरा पैसा लगा हुआ होता तो ये गेन ऑलमोस्ट 2% का होता, लेकिन आधी पोजीशन पर हमें बेसिकली, लेकिन मैं कैलकुलेट तो पूरी ही कैपिटल के हिसाब से करता हूँ, तो 0.99% बहुत ज़बरदस्त गेन मिला। इनफैक्ट जो थोड़ी सी पोजीशन मेरी थर्सडे की एक्सपायरी की लगी हुई थी उसमें मैं थोड़ा सा फंस गया, तो उसको मैं ब्रेक इवन टाइप निकाल पाया उस दिन का, लेकिन जो दूर की पोजीशन थी उनमें तो अच्छा खासा जबरदस्त थीटा डीके मिला। फ्राइडे को अगर आप देखो तो निफ्टी गैप अप 100-150 पॉइंट, क्योंकि उधर डाओ और इधर एशियन मार्केट सब के सब झूम रहे थे, ग्रीन में थे, लेकिन हमने तो फ्राइडे को सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। पहले 4 घंटे मार्केट एक तरफा ऊपर चलती चली गई, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त एडजस्टमेंट मेरे को करने पड़ गए। अच्छी बात ये थी कि कैश मेरे पास काफ़ी था, लेकिन फिर भी डर बहुत लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन मार्केट ऊपर चढ़ती चली गई। मेरी जो अगले हफ्ते की निफ्टी की कॉल्स हैं वो इन द मनी भी आ गई, उसके अगेंस्ट मैंने पुट्स ऐड करने थोड़े शुरू कर दिए, लेकिन 4 घंटे मार्केट चली, फिर 2 बजे एक बड़ा, अगर आप देखो ये बड़ी रेड कैंडल बनी, तो उसकी हाइट और लो पूरा दिन एनगल्फ कर गई ये कैंडल, एक झटका लगा था वो 20-25 मिनट के लिए, और नीचे गिर के फिर वापस ऊपर आ गई, तो थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट में गड़बड़ भी हुई, मेरे को लगा ये मार्केट वापस नीचे ना गिर जाए, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से अगले 1-1.5 घंटा ऊपर चढ़ती रही। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत वॉलेटाइल मार्केट, बड़ी मार्केट, बड़ा मूवमेंट, न्यू लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बनाया। बैंक निफ्टी ने 54,000 क्रॉस कर दिया स्पॉट में, और जबकि बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग 54,000 के पास ही हुई है। तो जब इतना बड़ा मूवमेंट आया तो वॉलेटिलिटी बढ़ गई, डिस्टर्बेंस बढ़ गया, उसी वजह से इंडिया विक्स ज़्यादा नहीं टूटा। इनफैक्ट फ्राइडे को इंडिया विक्स 5-6% ऊपर ही बंद हुआ, इसीलिए ये मेरे रिजर्व नहीं बना। तो कहीं ना कहीं मार्केट में डर है, शांति नहीं है, लेकिन हम लाइफ टाइम हाई पर बैठे हैं, और फ्राइडे को हमारा नेट लॉस हुआ है -0.27% का, ठीक ठाक लॉस है, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, इतना तो चलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो चारों को जोड़ के तो इस हफ्ते हमारा प्रॉफिट हुआ है 0.0565% का, अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। पोजीशंस में भी खड़ी है उनकी बात हम एंड में करेंगे, पर हाँ बेसिकली हर 10 लाख रुपए में मेरे को 6,500 रुपये का गेन हुआ है। दिस इंक्लूड जो जो मैंने पैसा लगाया, जो पैसा नहीं लगाया, सब कुछ मिला जुला के, तो अच्छा गेन। क्योंकि अगर हम समरी करें, पिछले 7 हफ्तों की समरी हम करते हैं, वीक 32 से वीक 38 तक, अगर आप देखो तो इस हफ्ते हमारा 0.65% गेन था, तो क्यूमुलेटिवली हमने FNO में पिछले 7 हफ्ते में 7.11% बना लिया, तो एक तरह से 1% पर वीक का गेन हो जा रहा है, जबकि हम तो 2-3% ही महीने का प्लान करते हैं, विच मीन्स वीक का हम लोग 0.5-0.75 पर प्लान करते हैं, और सब प्लान के हिसाब से चल रहा है, सब बेसिकली एक्सपेक्टेशन से बेटर ही चल रहा है। इस बीच निफ्टी अगर आप देखो तो इस हफ्ते 1.71% ऊपर गया, तो क्यूमुलेटिवली इस बीच हमने 4.28% निफ्टी बना लिया है, क्योंकि मेरे सारे शेयर लार्ज कैप है इसलिए मैं निफ्टी से ही कंपेयर करता हूँ। तो ओवरऑल पिछले 7 वीक्स में हमने 11.39% बना लिया है,
तो ऑप्शन सेलिंग का यही फायदा है कि एक्स्ट्रा गेन आपको मिल जाता है। ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत लगती है, पूरा दिन कई बार लग जाता है। तो सिंप्लीफाइड अगर हम देखें, इस वीक का गेन 0.65% निफ्टी ऑप्शन में, 1.71% मेरा निफ्टी में, या फिर पोर्टफोलियो में, तो ओवरऑल हमारा गेन 11.39% हो गया। तो अब हम टोटल करें तो पिछले हम लोग 7 हफ्ते से, 34 डेज से हम लोग ट्रेडिंग आपके साथ कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो इनमें से 25 दिन पॉजिटिव, 9 दिन नेगेटिव। ऑब्वियसली अच्छी स्ट्राइक रेट होनी है, पर हाँ पहले दिन लॉस बहुत बड़ा था, नहीं तो हमारा और भी अच्छा गेन है। तो वीक 32 की बात कर रहा हूँ मैं। 7 हफ्तों में 6 हफ्ते पॉजिटिव, 1 हफ्ता नेगेटिव, ये भी बढ़िया बात है। और हेजेस बेसिकली फ्राइडे को जो बुल मार्केट मैडनेस हुई उसके चलते मैंने एटलीस्ट एक चीज़ मेक श्योर कर दी कि अपने हेजेस स्ट्रांग कर लिए अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि पोजिशंस मेरी फंसी हुई है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि जो थोड़ी बहुत ही पोजिशन लगी उसकी वजह से मेरे को बड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि मंथ अच्छा खासा चल रहा है मेरा। तो चलिए अब मैं एक नई आपको सेक्शन दिखाता हूँ इसी वीक के लिए, मैंने आपके लिए बनाया कि मैं हर रोज का अपना डेली ओपन और क्लोज पोजिशन कैसे मेंटेन करता हूँ, कैसे कैलकुलेट करता हूँ, जिससे आपके समझ में आए कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है। तो देखिए 16 सितंबर से लेते हैं मंडे को, तो बेसिकली जो भी मेरी पोजीशंस लगी हुई थी उनमें जो भी मॉर्निंग में हमारी एक ओपन पोजीशन बुक पोजीशन होती है और एंड ऑफ डे में होती है, तो फिर एंड ऑफ डे से अगले दिन मॉर्निंग, तो बेसिकली मंडे को मैंने 0.46% अपनी कैपिटल का 0.46% प्रॉफिट बुक किया, और जो ओपन पोजीशन थी उसमें 0.12% का प्रॉफिट ऐड हुआ। तो टोटल मेरा मंडे को 0.58% प्रॉफिट ऐड हो गया। तो मैं एडिशनल की बात कर रहा हूँ ये। तो इसके बाद जो नंबर आया वो मैंने फिर देखा ट्यूसडे को। तो अगर आप ट्यूसडे को देखो तो ट्यूसडे को हमने, क्योंकि एक्सपायरी क्लोज आ रही थी, तो बैंक निफ्टी की जो पोजीशंस फंसी हुई थी उनमें काफी को बंद किया, निफ्टी का पोजीशन को बंद किया, तो लॉस वाली पोजीशन भी बंद की। तो लॉस वाली पोजीशन बंद करने की वजह से बुक्ड में मेरा माइनस हो गया, लेकिन उनके अगेंस्ट जो मैंने पॉजिटिव पोजीशन क्रिएट की उनमें फायदा। तो ये ऑप्शन सेलर का यही होता है, राइट? तो ओवरऑल हमारा गेन 0.14% हो गया। वेडनेसडे को अगर आप देखो तो पोजीशन और क्लोज की, तो थोड़े लॉसेस और बुक किए, बल्कि किस्मत थोड़ी ये खराब रही कि हमारा विक्स भी चढ़ा उस दिन, तो ओपन पोजीशन में भी लॉस हुआ। तो दोनों में जनरली क्या होता है कि या तो दोनों में प्रॉफिट होता है या एक प्रॉफिट एक लॉस होता है, लेकिन यहाँ दोनों में लॉस, तो एक तरह से 0.8% का हमें लॉस हो गया। सिमिलरली 19th को यानी कि थर्सडे को मार्केट ने ऊपर का मूव दिया, लेकिन इंडिया विक्स टूटा। जब इंडिया विक्स टूटता है तो हमें बुक पोजीशन में भी फायदा हुआ, ओपन पोजीशन में फायदा हुआ, अच्छा खासा 1% का गेन मिला। सिमिलरली 20 सितंबर को, क्योंकि मार्केट एक तरफा जा रही थी, तो हमने पुट्स में काफ़ी प्रॉफिट्स बुक किए, एग्रेसिव पुट्स लगाए, लेकिन ओपन पोजीशन जो थी अधिकतर कॉल साइड में हमें लॉस हुआ। तो ओवरऑल हमारा 0.27% लॉस। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह मैं कैलकुलेट करता हूँ, और मेरी एक्सेल शीट में पूरा डेटा के साथ है, लेकिन मैं अपना डेटा आपको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज से मतलब होना चाहिए। इसीलिए मैं हर 10 लाख के ऊपर आप इन नंबर्स को देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा, हर 10 लाख पे मैं 6,500 रुपये बनाए इस हफ्ते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं जितनी भी पोजिशन आपकी बताता हूँ उसमें सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, बस फाइनल इनकम टैक्स के अलावा, तो जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट व्यू मिले। कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी पोजीशन में टैक्सेस या फिर टैक्सेस लगा के, चार्जेस लगा के, ट्रांजैक्शन लगा के और ज़्यादा हो जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ वो सबके सब नंबर्स में अपने पूरे चार्जेस मिलाने के बाद बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा पीपीटी वाला पार्ट, आशा करता हूँ आपको पार्ट पसंद आया होगा। एक बार इस बार मैंने एक नई चीज़ ले आया हूँ आपके लिए कि हर रोज का कितना बुक प्रॉफिट था, कितना स्टैंडिंग प्रॉफिट था, जिससे कि आपको थोड़ा एडिशनल समझ में आया कि मैं किस तरह से कैलकुलेशन करता हूँ, और आपका अपना तरीका होगा, लेकिन चीज़ ये है कि हर रोज आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मैं मार्केट में कैसा कर रहा हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑप्शन सेलर्स एक्सक्लूसिव क्लब उसको मैं बोल रहा हूँ। बेसिकली वो केवल ऑप्शन सेलर्स के लिए है, वो भी उनके लिए जो कम से कम 6 महीने से ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे ऑप्शन सेलर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि हमारी प्रॉफिट परफॉर्मेंस कैसी रही, लूजिंग परफॉर्मेंस कैसी रही, या फिर किसी को कुछ शेयर करना है और कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उसके आंसर्स मिलते हैं। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा मेरा एक और ग्रुप है, वो जनरल स्टॉक मार्केट के लिए, सारे के सारे ग्रुप एब्सोल्युटली फ्री हैं, लेकिन हाँ ऑप्शन सेलर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कम से कम 6 महीने का आपको ऑप्शन सेलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में आएंगे, उस ग्रुप की जो क्लब वाली परफॉर्मेंस एक्सक्लूसिविटी है वो भंग हो जाएगी। तो आप अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अभी आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है
तो एक्सपीरियंस लीजिए, तब उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, तो अब आपका फ़ायदा होगा, उस ग्रुप के मेंबर्स को भी आपसे फ़ायदा होगा, एंड वाइस वर्सा। तो उसके अलावा पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ ये हुई कि मेरे सीए का मेरे को फ़ोन आया, उसने बोला अपना पीएनएल वगैरह भेजो, और मैंने अपना सबसे ज़्यादा अब तक का सबसे ज़्यादा एडवांस टैक्स पे करना पड़ा मेरे को। तो चलिए उसके बारे में आज बाकी के सेक्शन में बात करेंगे कि हाईएस्ट एडवांस टैक्स वाला वीक मेरा चला गया, सितंबर एडवांस टैक्स की बात करें तो। लेकिन बात करते हैं कि बाकी हमारी ट्रेडिंग में क्या रहा। तो अगर आप देखो तो सब इंडाइसेस ने लाइफ टाइम हाई मारा, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो इस हफ्ते एक तरह से टर्बुलेंस ज़्यादा था, चौपीनेस ज़्यादा थी, तो कहीं बार कहीं ना कहीं मेरी ट्रेडिंग ज़्यादा हो गई। तो इन जनरल मेरे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे इस हफ्ते, लेकिन जैसे मैंने बोला जो भी मैं आपको बताता हूँ मेरे जो खर्चे हैं सारे के सारे टैक्स इंक्लूड करके ही आपको अपनी पोजिशन दिखाता हूँ, इनकम टैक्स के अलावा। अपनी पोजिशन में देखूँ, बैंक निफ्टी मैंने ट्यूसडे को बंद कर दिया था, निफ्टी मैंने वेडनेसडे को बंद कर दिया था, थोड़ा सा निफ्टी ओपन था थर्सडे के लिए, और थर्सडे में वो मेरा कह सकते हैं कि जो मूव आया तो इंट्रा जो टर्बुलेंस थी उसकी वजह से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे को कायदे में थर्सडे के लिए उतना भी पोजीशन बना के जाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मूवमेंट आया पूरे दिन मैंने स्ट्रगल भी की, पर वो न्यूट्रल टाइप का बंद हो, वो वाला पार्ट बोल रहा हूँ जो थर्सडे की एक्सपायरी का था। उसके अलावा तो थर्सडे काफ़ी अच्छा गया हमारा, और अब मैं अगले हफ्ते के लिए पोजीशन लगाई हुई है। निफ्टी बैंक निफ्टी की पोजीशंस हैं थोड़ी हैवी हैं, ऑब्वियसली कुछ पोजीशंस में फंसा हुआ हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भी फंसा हुआ नहीं हूँ, पर हाँ थोड़ा सा डर है। निफ्टी की मेरी बहुत बड़ी पोजीशंस हैं अगले हफ्ते की, तो उनको क्लियर करना ज़रूरी है। अगर मैं मंथ की एनालिसिस करूँ, इस हफ्ते मैंने अपने सारे स्टॉक्स बंद कर दिए, और आपको बताता ये खुशी हो रही है मेरे को कि अडानी के शेयर में मैंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। अडानी की ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, और मैं वीडियोस आपके लिए बना चुका हूँ अडानी की ऑप्शन सेलिंग करके मैं कैसे अपनी BMW को फिनेंस कर रहा हूँ। तो इस हफ्ते तो मैंने 3 महीने की EMI अपनी निकाल ली है, ऑलरेडी मेरी ऑलमोस्ट 2 साल की EMI एक्स्ट्रा हो चुकी है अडानी के शेयर्स में ट्रेडिंग कर करके। तो वो मेरा एक वीडियो पहले भी है, आपको भी तो अलग से बता दूँगा अडानी कैसे मेरी BMW स्पॉन्सर कर रहा है। उसके अलावा अच्छा पैसे मैंने बजाज फाइनेंस ITC रिलायंस बनाया इस महीने, थोड़ा पैसा HDFC बैंक इंडस बैंक इंडसइंड बैंक इन्फी पीडीलाइट PNB TCS इन सब में बनाया। तो इस महीने का खास बात ये रही, नेट नेट मैंने किसी भी स्टॉक के ऑप्शन में पैसा लूज नहीं किया है, तो उस हिसाब से महीना अच्छा गया। अब सारे के सारे मंथली पोजीशन क्लोज कर चुके हैं, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि लास्ट वीक में जाऊँ और कहीं फंस जाऊँ। कई शेयर्स में मैं अगले महीने की पोजीशन लगा चुका हूँ, बाकी और लगाऊंगा, और हाँ अगले महीने के ऑप्शंस पे पोजीशन मैंने लगानी शुरू कर दी है। स्टॉक्स में मैंने अडानी इंटरप्राइज बजाज फाइनेंस इन्फोसिस ITC इन सब में स्ट्रैंगल्स बनाए अगले महीने के लिए। TCS में केवल कॉल सेल किए क्योंकि फिलहाल TCS गिरता जा रहा है, तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन लगाई हैं, ज़्यादा पोजीशन नहीं लगाई है। तो इस हफ्ते का आउटलुक क्या है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होंगी, चौपी मार्केट रहेगी, लेकिन लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आएगा, लेकिन एक तरह से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ तो लग ही रहा है। लास्ट वीक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, तो लग रहा है निफ्टी का लेवल अगले हफ्ते के लिए 25,400 से 26,200 तक भी एक बार को जा सकता है। तो मंथली क्लोजिंग इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि क्लोजिंग वाले दिन अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग सकता है और न्यू हाईज हमारे बन सकते हैं। 26,000 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइकोलॉजिकली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। इंडिया विक्स थोड़ा इसी रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा तो और क्या गिरेगा, और चढ़ने के लिए कोई नेगेटिव ट्रिगर चाहिए मार्केट को। तो अब अगले हफ्ते 22 से 27 सितंबर मंथली एक्सपायरी वीक आ रहा है, तो मंथली एक्सपायरी वीक मतलब सावधान हो जाओ, और ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा जा रहा है, तो आई होप कि लास्ट वीक भी अच्छा जाए। पोजीशन काफ़ी हल्की हो चुकी है, तो 6 हफ्ते से हम लोग पैसा कमा रहे हैं लगातार, तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हाई है, और 25% कैपिटल मेरे हाथ में है फिलहाल। जो पैसा लगा हुआ है उसमें समझ लीजिए कि उसका अगले महीने में 50-60% लगा हुआ है, इस महीने में 40-50% लगा हुआ है, जो कि मेरा प्लान ये है कि पहले 2 दिन में ही अधिकतर कट कर दूंगा। तो अब जो भी नई पोजीशन ऐड होगी, भले ही फायर फाइटिंग वाली हो, वो भी अगले महीने में या अगले हफ्ते में ऐड होगी, और काफ़ी पोजीशन मेरी 1 अक्टूबर की ऑलरेडी है, थोड़ी टेंस पोजीशन है वो, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो दूर के स्ट्रैंगल से शुरू किया था कहीं ना कहीं स्ट्रैडल सिचुएशन उसमें आ चुकी है, इतना मनी कुछ नहीं आया, लेकिन जो इस हफ्ते का मेरा निफ्टी है वो इन द मनी आ चुका है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है। तो अब मैं अगले हफ्ते 9 और 10 अक्टूबर वाले वीक में पोजीशंस ऐड करूँगा, और नहीं तो नई पोजीशन कोई ऐड नहीं करूँगा अगले 2 हफ्तों में। तो
सितंबर की याद, तो इस समय जैसे मैंने बोला 60% मेरा अक्टूबर लगा हुआ है, 40% सितंबर लगा हुआ है और 25% पैसा हमारा फ्री भी है। तो अगले हफ्ते की ट्रेडिंग और अगले हफ्ते का एक्शन क्या होने वाला है, जितनी जल्दी हो सके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे में पूरा बैंक निफ्टी बंद करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा निफ्टी बंद करना है। अगर पोजीशन लेके गया तो बहुत ज़्यादा पोजीशन लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा सब बंद कर दूँ, मार्केट ने साथ दिया तो जल्दी कर दूंगा और फिर उससे हमारी मंथ की पूरी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स की पोजीशन मेरे को लगानी है अक्टूबर मंथ में, तो उसके लिए सब चार्ट देखने पड़ेंगे, किस स्टॉक में शेयर को पुट लगाना है, किस में कॉल लगाना है, किस में स्ट्रैंगल सैडल बनानी है। उसके अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले महीने के एंड के भी और लगाने हैं, हेजेस को सब देखना है, तो काफ़ी सारा काम है इस हफ्ते क्योंकि अगले महीने की तैयारी करनी है। और प्लान ये है कि 1 और 3 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 1 अक्टूबर की होगी, निफ्टी की एक्सपायरी 3 अक्टूबर की होगी, तो उन दोनों की पोजीशन में कोशिश ये करनी है कि जितने लॉट्स लगे उन्हीं में एडजस्ट करूँ, नहीं तो फ्रेश एडजस्टमेंट अगले हफ्ते में करेंगे 9 या 10 अक्टूबर में, नई पोजीशन में 9 और 10 अक्टूबर में लगाएंगे, तो अगले 2 हफ्तों में कोई पोजीशन नहीं लगेगी नहीं, और जितने भी एडजस्टमेंट होंगे सब फ्यूचर में यानी कि कैलेंडर स्प्रेड बनाकर मैं करूँगा। तो अगले हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंस हाई है क्योंकि काफ़ी विनिंग स्ट्रीक हमारी चल रही है, वीक का टारगेट हमेशा की तरह 1% का लेकर चल रहे हैं, अगर ये 1% इस हफ्ते हो गया तो ये महीना भी सुपर डुपर क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अब एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। तो एक्सपीरियंस है बेसिकली मेरा, मैं कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट हूँ जो कि इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग दोनों करते हैं, और ऑब्वियसली कई ग्रुप्स में ट्रेडर्स ग्रुप्स में वोटिंग चलती है कि आज कितने लोग का प्रॉफिट हुआ, कितने लोग का लॉस हुआ। तो इन जनरल मैंने ये देखा है कि तो जिस ग्रुप में मैं खुद एक एडमिन हूँ तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन सेलर्स का ग्रुप है, उसमें इन जनरल 65% से ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल होते हैं हर रोज़, तो ऑब्वियसली वीक लेवल पे 70% से ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल मेरे ख्याल से होते होंगे हर रोज़ की। तो मैं इस हफ्ते से शुरू की है, थोड़ी वोटिंग लेता हूँ कि कितने प्रॉफिटेबल है, कितने लॉस मेकिंग है, कितने लोगों ने ट्रेड नहीं किया। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग सैम्पल साइज मिल जाता है मेरे को। तो ऐसे ही जो मैं ऑप्शन बायर्स वाले ग्रुप का, या जिस ग्रुप में ऑप्शन बायर सेलर का डिमार्केशन नहीं है, उस ग्रुप में 50% से कम लोग प्रॉफिट में रहते हैं, वो भी उसमें क्योंकि मेरे को पता है ऑप्शन सेलर ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ केवल सेलर ही पैसा कमाते हैं, पर ऑब्वियसली ऑन अ डेली बेसिस सेलर्स की प्रॉफिट की परसेंटेज प्रॉफिटेबल सेलर्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है, प्रॉफिटेबल बायर्स की परसेंटेज कम होती है, भले ही जो बायर्स होते हो उनका क्वांटम प्रॉफिट का ज़्यादा हो। इन ग्रुप्स में प्रॉफिट की परसेंटेज डिस्कस नहीं करते कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, तो उन ग्रुप्स में मैं एडमिन नहीं हूँ बायर्स वाले में। तो जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि थोड़ा इस तरह की वोटिंग चलती है, एक जो मोनोटोनस काम है ऑप्शन ट्रेडिंग उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जगता है जब लोग एंड ऑफ डे थोड़े वोटिंग करते हैं, एवरेज वेरी कर सकते हैं। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और एक्सपीरियंस के साथ। मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है शेयर मार्केट में, भले ये आधा परसेंट, चौथा ही परसेंट, 0.1% भी बनाए लेकिन, और किसी दिन लूज भी किए जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वीकली लेवल पे अगर हम गेनर हैं तो सही है, नहीं तो कम से कम मंथ लेवल पे गेनर है तो सही है, नहीं तो कम से कम क्वार्टर लेवल पे गेनर हो तो सही हो, नहीं तो साल भर के लेवल पे तो गेनर होना ही है, नहीं तो ट्रेडिंग का फ़ायदा ही क्या है। तो चलिए आज ज्ञान के तौर पर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, एंड में डिस्कस करेंगे अपने एडवांस टैक्स की कहानी। तो आज का ज्ञान है गिफ्ट निफ्टी के ऊपर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या है? देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है गिफ्ट निफ्टी क्या है। पहले इसको SGX निफ्टी भी बोलते थे। तो बेसिकली गिफ्ट निफ्टी जो है एक तरह से निफ्टी का फ्यूचर है, लेकिन इंडिया में क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और स्टॉक मार्केट इन दोनों की ट्रेडिंग विंडो एग्जैक्टली सेम ही होती है, 9:15 से 3:30 बजे तक प्री मार्केट का फिलहाल निकाल देते हैं। तो जब मार्केट खुलने वाली होती है तो सुबह सुबह आपको कैसे पता लगे मार्केट कहाँ खुलेगी? अमेरिका में तो क्या है कि जब हमारी मार्केट चलती रहती है तो US के फ्यूचर्स ओपन होते हैं, तो उसको देख के हम समझ जाते हैं कि अमेरिका में इस समय सेंटीमेंट ये है, उसके हिसाब से हम रिएक्ट भी करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे हिसाब से अमेरिका तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपने देखा कई लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो रात को बताते हैं कि यार गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर है, यानी कि निफ्टी कल 1% ऊपर खुलने वाला है, 0.5% ऊपर खुलने वाला है। तो होता क्या है कि गिफ्ट निफ्टी बेसिकली गुजरात बेस्ड है, ये इंडिया का ये बेसिकली ऐसा फ्यूचर है जिसमें फॉरेनर्स भी अपना पैसा लगा सकते हैं, तो बाकायदा इसमें ट्रेडिंग होती है।
और पहले पैसा सिंगापुर जाता था क्योंकि डॉलर में सिंगापुर में ट्रांजेक्शन होती थी, अब गुजरात में, अब इंडिया में होती है ट्रांजेक्शन। तो गिफ्ट निफ्टी ऑफ मार्केट आवर्स में भी ओपन रहता है, रात के 12 बजे तक ओपन रहता है, सुबह सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे ट्रेडर्स को और इवन इन्वेस्टर्स को आइडिया हो जाता है कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम कितना ऊपर या कितना नीचे खुलने वाले हैं। तो अगर आप देखो तो जनरली मैं रात के 12 बजे वाला एक बार नज़र डाल लेता हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे, क्योंकि जब एशियन मार्केट्स भी खुल जाती हैं, हमारी मार्केट अमेरिकन मार्केट को रिएक्ट देना शुरू कर जाती है, उस समय गिफ्ट निफ्टी का क्या लेवल है उससे हमें काफ़ी हद तक समझ आ जाता है कि आज हमारा शेयर बाज़ार कहाँ खुलेगा। तो कई बार जब मैं भी अपने ग्रुप में बोलता हूँ आज निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, 150 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो वो केवल निफ्टी लेवल पे है, ब्रॉडर मार्केट के लिए नहीं है। खासकर जो इंडिया के कुछ शेयर्स हैं जिनका जैसे अमेरिका वगैरह में काफ़ी लिस्टिंग है, इनफी एडीआर हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो उनके शेयर ने कैसा परफॉर्म किया उसी हिसाब से गिफ्ट निफ्टी में इनका वेटेज भी है, निफ्टी में इनका वेटेज भी है, तो शेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो चीज़ ये है कि गिफ्ट निफ्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए और आपको उसकी चाल समझनी चाहिए, क्योंकि इन जनरल 9:15 बजे सुबह को मार्केट गिफ्ट निफ्टी के बताए हुए लेवल के आसपास ओपन होती है, 10-20% के अंदर। कभी कभी गिफ्ट निफ्टी की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती है, पर वो दिन पिछले काफ़ी समय से तो नहीं आए। नहीं तो खासकर गिफ्ट निफ्टी जहाँ 9 बजे होता है, हमारी जो प्री मार्केट है वो उसी के हिसाब से आसपास सेटल होती है, एवरेज क्लोजिंग। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गिफ्ट निफ्टी के बारे में थोड़ा समझिए, उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट कहाँ जाने वाली है और फ्यूचर की तरह काम करते हैं। गिफ्ट निफ्टी का काम एक तरह से 9:15 से 3:30 कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके बाद हम निफ्टी फ्यूचर देखना शुरू कर देते हैं जो कि एक तरह से गिफ्ट निफ्टी है। तो ये हो गया गिफ्ट निफ्टी। आज की जो स्टोरी है, तो दोस्तों हुआ क्या कि अचानक से मेरे को मंडे को मेरे सीए ने बोला कि भाई एडवांस टैक्स भरना है और अपना पूरा डेटा भेज दो। तो इस महीने प्रभु की कृपा से अच्छी ट्रेडिंग, अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बड़ी कैपिटल है मेरी multi crore की, और जब मैंने उसको अपने पिछले 6 महीने के PNL भेजे तो उसने बहुत बड़ा बिल मेरे को बना के भेज दिया कि भैया इतना पैसा आपको एडवांस टैक्स में देना है। देखिए जब बड़ा एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है तो इंसान को दुख भी होता है, खुशी भी होती है। दुख तो ये होता है कि वो मेरे को कैपिटल में से निकालना था अपने, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टेड था। देखिए दुख तो इस बात का हुआ कि अरे यार इतना सारा पैसा देना पड़ेगा और टैक्स देना किसको अच्छा लगता है, और हमारे देश में तो कुछ ब्रैकेट चेंज होने लगे आपके तो फिर टैक्स बहुत ही ज़्यादा है। तो बड़ा कैपिटल निकालना था, उसका दुख हुआ, क्योंकि वो कैपिटल मेरे को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से निकालना था, उसका दुख हुआ। तो पैसा कहाँ से आए, वो तो थैंकफुली मैं कैश पे बैठा था तो निकालने में वैसे उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन पैसा जाता है तो दर्द होता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी इस बात की भी हो रही है कि जब हर साल आप ज़्यादा टैक्स पे करते हो तो देश की उन्नति में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और कहते हैं ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, ट्रेडिंग करके शायद देश का कोई भला नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पैसा कमा रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो पैसा तो देश के कामों में लग ही रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं कैपिटल हमारी ओवरऑल बढ़ती जा रही है, तो उससे ट्रेडिंग की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि इनकम टैक्स को लेके अगर इसी देश में रह के आपको लीगली पैसा कमाना है तो दुआ ये कीजिए कि आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट में आकर ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने, हर साल, पिछले साल से ज़्यादा, पिछले साल से दोगुना चौगुना पैसा इनकम टैक्स में दें, तो इसका मतलब आपकी कमाई भी अच्छी हो रही है। तो ये मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाह रहा था। और हाँ देखिए, एक ऑप्शंस को लेके क्या है ना कि ऑप्शंस मेरे कैश फ्लो में काम आता है, मंथली कैश फ्लो ऑप्शंस को लेके चलते हैं, जबकि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो पूरी की पूरी हमारी हर साल ग्रो करती है, लेकिन ऑप्शन से मेरा घर भी चलता है। उसके बारे में एक वीडियो अलग से बना दूंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हाँ, ये मंथ इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि बहुत बड़ा इनकम टैक्स मेरे को एडवांस टैक्स पे करना पड़ा। तो आप लिखिए आपके आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, इनकम टैक्स को लेके या फिर आज के वीडियो को लेकर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक क्लिक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, पसंद आया लिखिए, कोई टॉपिक आपको सुनना है उस बारे में लिखिए। और हाँ, मेरा ऑप्शन सेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स एक्सक्लूसिव क्लब उसका नाम है। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने की आपकी स्टॉक मार्केट का ऑप्शन सेलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉर्मल ग्रुप है, उसको तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो में दे दूंगा मैं।
और वो जनरली उसमें कोई टिप नहीं मिलती, कोई फीस नहीं है, जनरल चिट चैट होता है। ये मत समझिए कि आपको टिप्स मिलने शुरू हो जाएंगे, मैं कोई टिप नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और जो भी करता हूँ अपनी खुद की लर्निंग के लिए करता हूँ, आपको सिखाने से ज़्यादा मेरी लर्निंग उसमें हो जाती है। मेरे को ये समझ में आया है, यूनिवर्स को अनाउंस करता हूँ कि मेरा 39th वीक कैसा जाने वाला है, उसी के हिसाब से काम करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके फिनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त तुलजन, आपसे लूँगा विदा। फिर अगले हफ्ते आपके लिए लेकर आऊँगा मेरा ऑप्शन सेलिंग का और वीकली एनालिसिस का वीडियो, और इस बीच वीडियोस तो मैं लाते ही रहता हूँ। आजकल मेरे शॉर्ट्स को काफ़ी प्यार आप लोग का मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।